जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? दिस इज असीम मुश्ताक, योर मैथमेटिक्स लेक्चरर। टुडेज़ लेक्चर फॉर क्लास 9th एंड टॉपिक 7, चैप्टर नंबर 7, लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 7.3। द डेट इज 24th अप्रैल 2020। डे इज मंडे। ठीक है बेटा जी, मैंने प्रीवियस जो लेक्चर आपको दिया था वो दिया था 7.1 और 2 के ऊपर। उम्मीद है वो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज मैं 7 चैप्टर का आपको टेस्ट भी सेंड करूँगा और उसके बाद कल उसकी डिस्कशन भी होगी। सेकेंडली, यानी जो हमारा मंगल वाले दिन जो आपको टेस्ट मिलता होता है, कल यानी ट्यूसडे वाले दिन, वो आपको मिलेगा 7 चैप्टर का। फिर हमारा 8 चैप्टर साथ शुरू हो जाएगा, तो 8 चैप्टर हम नेक्स्ट टेस्ट में ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। बेटा ये एक्सरसाइज है, उसका टॉपिक हमारा जो है वो आज है इनइक्वालिटीज। इक्वालिटीज क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। इक्वालिटी में सिर्फ एक साइन याद रखें, इक्वल का, बराबर का। बराबर की अलामत जिन अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान आ जाए वो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। इनइक्वालिटीज चार तरह की होती हैं। लेस देन इनइक्वालिटी से मुराद है जिसमें इक्वल चीज नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन, लाइक लेस देन, यानी मिसाल के तौर पर ए छोटा है बी से, तो यहाँ बराबरी नहीं है बल्कि उसमें फर्क जाहिर हो रहा है। ए बड़ा है बी से यानी ग्रेटर देन बी, तो इसके मुराद है यहाँ भी फर्क जाहिर हो रहा है बल्कि इक्वालिटी शो नहीं हो रही। ए इज लेस देन एन इक्वल टू बी, लेस देन एन इक्वल टू बी, ये एक कंडीशन है जिसमें वो बता रहा है कि ए बड़ा भी है और ए बराबर भी है। और इसी तरह ए लेस देन बी एन इक्वल टू बी, ये प्रॉपर्टी जो है ये भी इनइक्वालिटीज में आती है कि छोटा है और बराबर भी है, ये कंडीशन है एक बेसिकली, लेकिन यहाँ इक्वालिटी शो नहीं हो रही। ठीक है, तो लेट ए बी द रियल नंबर, मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ इसकी, देन ए इज द ग्रेटर देन बी इफ द डिफरेंस ए माइनस बी इज पॉजिटिव व्हेन वी डिनोट दिस ऑर्डर रिलेशन बाय। ये देखिए मैंने वही बात की ना आपको, इनके दरमियान डिफरेंस को जाहिर कर रहा, फर्क को जाहिर कर रहा कि ए बड़ा है बी से। ठीक है ना, इस तरह ही है ना बेटे, जिस तरह हम घर में कोई बात हो तो वालदा कहती है बेटे ये आपके बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई से मुराद ये है कि वो ग्रेटर देन है हमारे से एज में भी और एक्सपीरियंस के अंदर भी। ठीक है, मतलब जो मर्जी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो हमें काफी हद तक लर्निंग हो जाएगी। इसमें ट्राइकोटमी, ट्राइकोटमी हम पहले पढ़ के आए हैं लेकिन यहाँ दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में और एक्सरसाइज 2.2 में ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या होता है कि इसमें एक हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए बी, ठीक है, और इसमें तीन तरह कंडीशंस बन सकती हैं कि ए बराबर हो सकता है बी के, ए छोटा होता है बी से, या ए बड़ा हो सकता है बी। कहते हैं जी के एन इम्पोर्टेंट स्पेशल केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज द केस ऑफ फॉर बी इज इक्वल, कहता है अगर बी बराबर जीरो के हो जाए तो हम कहते हैं ए इज लेस देन जीरो, ए इक्वल टू जीरो, और ए यानी अगर एक रियल नंबर की बात को डिस्कस किया जाए, ठीक है, तो वो तीन शर्तों को पूरा कर देगा, ए छोटा है, ए जीरो से। अच्छा, अब यहाँ एक चीज मैं आपको समझा दूँ जो आपने दिमाग में बिठा लेनी है, आगे हमने एक्सरसाइज में भी करनी। ए लेस देन जीरो इट मीन्स ये माइनस की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन जीरो यानी ये पॉजिटिव टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इक्वल टू जीरो यानी इक्वालिटी को शो कर रहा है किसके साथ, जीरो के, यानी जीरो ही है इसके अलावा कोई। ट्रांजिटिव के अंदर हमने कहा था कि इसमें इक्वालिटीज के अंदर ये पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, then we say that कि a is equal to c। इसी तरह less than और greater than में कि a is greater than b and b is greater than c, then a is greater than c, इस तरह less than के अंदर। clear property में क्या था, proper product, अगर मैं multiplication के लिहाज से बात करूँ तो a multiply by b that gives the real number, a को b से multiply करें यानी कोई भी real number लें उनको आपस में multiply करें, 3 multiply by 2 that gives 6 and 6 is also the real number। ठीक है जी, अब हमारे पास आता है यहाँ एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी में ये था कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो देन अगर ऐसा नंबर जो दोनों में सेम ऐड किया जाए, लाइक 3 इज ग्रेटर देन 2 कंडीशन, ठीक है, और 3 में 2 ऐड करें दोनों साइड पर,
यानी थ्री इज ग्रेटर देन टू, ये कंडीशन है। और एडिशन प्रॉपर्टी के तहत थ्री प्लस टू टू प्लस टू, तो थ्री प्लस टू कितना हुआ फाइव और टू प्लस टू फोर, तब भी उनके दरमियान जो रिलेशन ग्रेटर देन का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ ये आई कि अगर हम इक्वेशन को हल करेंगे तो कोई वैल्यू वहां जाके माइनस या प्लस होती है तो उसकी जो प्रॉपर इनइक्वालिटीज हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को समझना। कुछ बच्चे जो मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये जो साइन हम चेंज करते हैं इनइक्वालिटीज का, ये क्यों चेंज होता है, इसकी कंडीशन इसकी शर्त मैं बताने लगा आप लोगों को। इफ ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज लेस देन, सॉरी ए इज ग्रेटर देन जीरो पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ, एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, बात बिल्कुल ठीक है। कि अगर ग्रेटर देन जीरो से मुराद है कि अगर ए एक जमा का नंबर है और बी भी एक पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर्स है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगी, ऐसे ही है नहीं? वैसे ही है कि ए ग्रेटर देन जीरो, लाइक हम कहते हैं ए तीन है और बी तीन है, दोनों ही तीन तीन है, या तीन और चार, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी बारह, तो बारह भी एक पॉजिटिव नंबर ही आया। तो जब पॉजिटिव नंबर आएगा उस वो ताल्लुक खत्म नहीं होगा पॉजिटिविटी का, तो उसमें इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर a इज लेस देन जीरो हो और b भी लेस देन हो तो इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, इनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, क्योंकि माइनस की टर्म जब माइनस की टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो तब इनइक्वालिटीज का साइन चेंज होगा। अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है जी, पहला इधर एग्जाम्पल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। कहता है जी 9 माइनस 7x ग्रेटर देन 19 माइनस 2x। इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इनइक्वालिटीज की उस तरह ही हल करना है जिस तरह आम इक्वेशन लीबनिट्ज़ को करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ इनइक्वालिटीज का साइन है और इनके को हल करना का में कोई फर्क नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने सात में से ये माइनस सेवन एक्स है, माइनस सेवन एक्स में से प्लस टू करते हैं तो माइनस फाइव एक्स आएगा, नौ वहां जाकर माइनस तो माइनस टेन आ गया। अब देखना माइनस फाइव एक्स, ये फाइव एक्स वहां जाके जब डिवाइड होगा तो माइनस टू, जब उसने उसको पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में तब्दील कर दिया या नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील कर दिया तो ये इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी, यानी ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो गया। उसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। लिखने का अंदाज देखें कि x एंड x ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन माइनस टू, ये आंसर हमारे पास आ गया, सिंपल इज दैट, लिखने का अंदाज है। इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, जो 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 मेथडोलॉजी इस वक्त सेट को रिप्रेजेंटेशन की है उसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास आती है फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या था कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो, ठीक है, फ्रैक्शन हो, मतलब मैंने आपको जब लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज है 7.1 करवाई थी तो उसमें मैंने समझाया था कि अगर फ्रैक्शन हो, बल्कि कोई भी किसी भी किस्म की इक्वेशन हो उसमें फ्रैक्शन आ जाए तो बेटा सबसे पहले एलसीएम लेके फ्रैक्शन खत्म करनी, देन आगे क्वेश्चन को लेके चलना है। 2, 3, 3 डिनोमिनेटर्स हैं, इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास 6 एलसीएम आता है, 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया जो लीनियर फॉर्म में, वो आया 3x माइनस 4 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इसके अंदर साइन है लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 2। तो बेटा 3x में से 6x माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x और माइनस 4 माइनस 2 इट गिव्स माइनस 6। ठीक है जी। अब ये देखिएगा ये 3 वहां जाके डिवाइड हुआ, अभी इधर तवज्जो समझना है, तीन जरब का तकसीम हो रहा है वहां जाकर माइनस सिक्स, जरब खाने से या तकसीम करने से उस जो माइनस सिक्स के साइन पे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसके अंदर जो इनइक्वालिटीज है वो भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है। आगे हमारे पास सोल्यूशन आता है जिसमें हम दो इनइक्वालिटीज को जिक्र करते हैं, यानी एक टाइम में लेस देन आ सकता है, एक टाइम में ग्रेटर देन आ सकता है, दोनों में लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है, इसको हम सॉल्व कैसे करना है, इसको भी कैसे करना है, लेकिन यहाँ दो कंडीशन होती है। अगर मैं सादा अल्फाज में मेरी बात को सुने तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, x ही है जो बड़ा है और x ही है जो छोटा है, तो वो कैसे हमने इसको सॉल्व करना, हम कंडीशंस को अलग लिख लेंगे। यानी हमारे पास ये जो टर्म है, ये जो शो कर रही है आपको, ये वेरिएबल की टर्म है, हमने इसको कहा कि ये जो इसको अलग करके लिख दिया, यानी ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन है माइनस 2 से और ये जो टर्म है ये लेस देन है 1 से, हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है। अब इसको हल करेंगे जिस तरह पहले हल करके रखें, तो आंसर्स को जब हमारे पास अलग अलग इनके आंसर्स आ जाएंगे तो हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, क्योंकि x के बारे में हमने डिस्कस करना है और x की इक्वेशन को हल कर रहे हैं,
ये देखेंगे x से बड़ा कौन है और x से छोटा कौन है, इसको हम इसी तरह सेट के अंदर देखते हैं। ठीक है जी, इसने पॉइंट्स में लिखा है, पॉइंट्स में लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में रहने दें, आपको जैसे भी इंसान लगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज जी, 7.3 हमारी शुरू हो चुकी है, इसको ध्यान से समझिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, पहला क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा है, मैं आपको गाइड करता चलूंगा। 3x plus 1 less than and 5x minus x, यानी इसमें वो क्वेश्चन को वैसे ही हल करना है जिस तरह हम आम क्वेश्चन को हल करते हैं, 3x वहां जाके माइनस 4 यहाँ पे प्लस, आंसर आया x greater than 5/2। आपने देखा कि इसका जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक हो गया, वो चेंज नहीं हुआ और हमारे पास आंसर आया। सोशल साइड लिखने के लिए x और x less than equal to x रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट है x का, इसमें एलिमेंट x से रिलेटेड है और एलिमेंट की जो शर्त है वो ये है कि x बड़ा है 5/2 से। ठीक है, अब पॉइंट्स में यानी डेसिमल का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4x minus 10.3 less than equal to 21x minus 1.8। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 10.1 ये जो माइनस 1.8 है 10 में से प्लस हो जाएंगे, 10 में प्लस हो जाएंगे जाके, तो या 10 को वहां आगे माइनस कर दें, 10 यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, माइनस 10.3 जो है यहाँ आगे प्लस हो गया, माइनस 1/8 और 21 वहां जाके माइनस, माइनस 17x 8.5, 17 वहां जाके डिवाइड हुआ। तो आपने देखा जब ये माइनस 17 वहां जाके डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव की वैल्यू को उसने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो जो इनइक्वालिटीज है वो भी चेंज होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसका थर्ड पार्ट। 4 माइनस 1/2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1/4x। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको किस तरह हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका सिंपल सा ये है कि हमने इसका एलसीएम लिया, दैट इज 4, मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, हमारे पास आंसर आता है 11 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस, नहीं बल्कि यहाँ हम एक और मेथड चलें, यहाँ हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, हमने इन साइड्स का x की वैल्यू को इकट्ठा कर दिया, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 4 आ गया, 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 44 एंड 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, आंसर आया 44/3 और ये सिंपल आंसर। यानी यहाँ हमने जो एक तो था ना कि एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तब भी यही आंसर आना है, लेकिन इसमें क्या किया, इसमें हमने x के जो कोफिशियंट्स उनको अलग कर दिया और जो कॉन्स्टेंट्स थे उनको अलग कर दिया, करने के बाद सिर्फ इनका एलसीएम लिया, ठीक है, इस साइड का लेने के बाद हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिया। क्लियर जी, अब हमारे पास हम 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 5 क्वेश्चन देखिएगा। 3x plus 2 divided by 9 minus 2x plus 1 divided by 3 greater than minus 1, इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या देखा कि इसमें 9 बड़ी रकम है और वही इसका एलसीएम है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनती है, 3x plus 2 minus 3 into 2x plus 1 greater than minus 9, 3 मल्टीप्लाई हुआ, साइन चेंज, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज कर देगा, 3x plus 2 minus 6x minus 3 greater than minus 9। हाँ, यहाँ एक और बात करता चलो कि अगर inequalities का साइन जहाँ चेंज होता होगा वहां आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, जिस टर्म में जिस स्टेप के अंदर साइन वहां जाकर किसी भी पॉजिटिव को नेगेटिव कर दे या नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे तो साइन वहीं चेंज होगा inequalities का, ना कि आप एंड में आंसर में लें, जो एंड में आंसर में लेके आएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फायदा कोई नहीं है। तो जहाँ आप इस चीज को जहाँ जहाँ मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वहीं आपने साइन को तब्दील करना है। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ अभी यहाँ तक कोई ऐसी जो है वो माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 8, ये 3 वहां जाकर प्लस हो जाएगा, x इज लेस देन माइनस 8 बाय माइनस 3, आंसर आया प्लस में। तो आपने देखा कि यहाँ चेंजिंग आई है तो उसी वक्त फौरन साइन को उन्होंने चेंज कर दिया, यही हमारा सोल्यूशन सेट है इसका। ठीक है, तो ये बेटे इसका सोल्यूशन सेट आ गया, x एंड x इज लेस देन 8/3। ठीक है जी, अब 6 वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाते हैं, बाकी आप खुद करेंगे, इसमें टर्म ज्यादा हैं, सिंपल इज दैट कि हमने सबसे पहले जो हम हमें पता है कि ब्रैकेट्स हों तो उसको सॉल्व करते हैं, ये 3 बाहर मल्टीप्लाई अंदर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आता है, x 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 10 के माइनस 7 और 15 बने, ये 15 यहाँ आकर 10, 2 वहां जाकर माइनस और 10 यहाँ आकर प्लस प्लस, तो आंसर आया 3 इज लेस देन 13 x, यानी 13 x इज ग्रेटर देन 3, 13 वहां जाकर डिवाइड होगा, आपने देखा कि यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, यहाँ ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 3/13,
इस स्टेप में, ठीक है, और यहाँ एक्स को यहाँ लिख दिया, तो बेटे आपने कंडीशन देखनी है, लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 3/13, यहाँ भी यही लिखा हुआ है, तरतीब में लिखा है बस उन्होंने, यानी वेरिएबल को पहले लिखे हैं बाद में, है उनके अंदर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन था आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, 3x+5 इज लेस देन 8 एंड 3x+5 इज ग्रेटर देन -4। इन कंडीशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे, यानी ये वेरिएबल है और इसमें हमने इसको लेस देन ग्रेटर देन -4 और इधर भी लेस देन 8, 5 वहां जाके -3x आ जाएगा और डिवाइड हुआ 3/3 और देन x इज लेस देन 1, ये एक साइड से लो सॉल्व हो गई। यहाँ 5 वहां जाके --9 डिवाइड होगा तो हमारे पास है। अच्छा देखो ये 3 -9 पे डिवाइड हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, माइनस का 9 का वैसे का वही, वो फ्रैक्शन माइनस में ही रही, माइनस की थी और माइनस में ही रही, तो फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो सेट, अब सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3, तो ये सोल्यूशन सेट लिखा है उसी तरह, ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन एक और इसका कर लेते हैं। अब ये है 4 -3x/2, यहाँ -5 और यहाँ 1, अलग अलग लिखेंगे और देन उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब भी यही हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा कि 2 वहां जाके मल्टीप्लाई, 2 वहां 1 से मल्टीप्लाई और कांस्टेंट को माइनस को प्लस कर देंगे, और जहां देखेंगे अगर माइनस में, तो ये देखें अभी स्टेप में यहाँ था -14 इज लेस देन इक्वल टू -3x, ये देखो -3x वहां जाकर, जब -3 जब वहां जाकर डिवाइड होगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगी, पहले लेस देन थी अब ग्रेटर, ठीक है बेटा जी। अच्छा इसमें क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला 5 पार्ट इसका। अब यहाँ 3x-10 इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x+3 इज ग्रेटर देन 5, इसको लगा लिखेंगे x+3 इज ग्रेटर देन 5 यहाँ लिख दिया और 3x-5 यहाँ लिख दिया, यानी अलग अलग कंडीशन इकट्ठे भी कर सकते हैं लेकिन इकट्ठे में आपको प्रॉब्लम होगी, इस तरह आसान है कि अलग अलग दो एक इनइक्वालिटीज बनाकर अलग अलग इनका सोल्यूशन फाइंड किया जाए, देन उसको मर्ज करके दोबारा इकट्ठा लिख दिया जाए, क्योंकि इसमें जो अंदर डिस्कशन वेरिएबल है वो सिर्फ एक्स ही है, तो एक्स के साथ ही कोई ना कोई स्लोप होगा, या तो वो लेस देन होगा या वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास 3-10 <= 5 और x+3, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, 10 वहां जाकर प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 5 वहां जाकर माइनस, मतलब जिस तरह मर्जी कर लें, 3x वहां जाकर माइनस हो गया, यहाँ -15 डिवाइड करेंगे तो अब इनकी इनइक्वालिटी चेंज, x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5, 3 यहाँ अगर माइनस हो गया तो हमारे पास आंसर है x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ भी इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है जी। यहाँ आप उसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 2, क्लियर बेटा, ये हमें इस बात की समझ आ गई है। अब हम इसके एक्सरसाइज रिव्यू पे चलते हैं जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, ये वो डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको करवा चुका हूँ, इसकी प्रैक्टिस में लाइएगा और जुबानी कर रहे हैं आपने, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो डिस्कस करते हैं, जो मुश्किल मैं समझता होगा, दिस वन, ये क्वेश्चन नंबर जी, मुझे जो लगा ना ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैंने आपको बताना था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा आपके लिहाज से, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस करना चाहा, बाकी बड़े सिंपल क्वेश्चन है, वो इनइक्वालिटीज का हो, वो लीनियर इक्वेशन का हो, वो रेडिकल इक्वेशन का हो, वो एब्सोल्यूट वैल्यू का हो, बड़े आसान है, प्रैक्टिस ये जुबानी करनी चाहिए वैसे आप लोगों को, कोशिश करें कि जब आप चैप्टर को कम्प्लीट कर लेते हैं तो रिव्यू को खुद करें ताकि आपको आइडिया हो कि एक्सरसाइज से हटके कोई नए क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, मेथड वही होते हैं। यहाँ जी एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन है, ये हम क्या करेंगे, हम इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को अदा कर देंगे, ये 3 1/3 जो है यहाँ अगर क्या है, ये 3 डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई, दैट गिव्स 3/2 और ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई थी नीचे आके डिवाइड, x-3 x+2 ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई इज इक्वल टू 3/2। अब क्या करेंगे, वही कंडीशन जो हमने पहले की थी, क्या एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, आगे इसको सिंपलीफाई हम सिंपल था हल कर लेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए हमारे पास इसका सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू -12 आया और एक x हमारे पास 0 आया। अब चेक करने का आपको सबको पता कैसे करना है, पहले 12 को -12 को पुट करेंगे, फिर हम 0 को पुट करेंगे और फिर हम ये प्रूव करेंगे अगर उसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया तो क्या जी सोल्यूशन उसके ट्रू है,
और अगर नहीं तो वो उसके ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स सॉल्यूशन है। और अगर हम रेडिकल इक्वेशन की बात करें तो उसमें एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं अगर सॉल्यूशन, यानी मिसाल के तौर पर जब हमने चेक किया, चेक करने के बाद वो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल नहीं आई तो हम कहते हैं ये इसका एक्सट्रीनियस रूट है। एक्सट्रीनियस रूट से मुराद क्या थी? फालतू असल, यानी सॉल्यूशन के बाद वो वैल्यू तुम्हारे पास आती है बट उसका सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? दैट कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है बेटे, उम्मीद है ये लेक्चर समझ आया होगा। सेवन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसका टेस्ट मंगलवार दिन मैं आपको सेंड करूंगा और आपने उसको प्रैक्टिस में लाकर मुझे लाजमी सेंड करना है। क्यूरीज हो मुझसे पूछा करें। ख्याल रखें बेटे अपना, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दा फरमाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।